ओल्ड टाउन बलद पे मैं मौजूद हूँ और बहुत डिफरेंट है सुल्तान अहमद और जो टूरिस्टिक एरिया है, ये भी एक टूरिस्टिक एरिया है, ये ओल्ड टाउन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, आ जाए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बहुत मजा लैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स पाकिस्तान पाकिस्तान, थैंक यू। आप तुर्की में आए तो तुर्की के ट्रेडिशनल सेवरीज कहलाती है, उसका नाम है बुरुक। बुरुक जो है वो चीज़ के साथ होती है, स्पेनिश के साथ होती है, बहुत मज़े की होती है। जब भी आप आए बहुत ज़बरदस्त शॉप है, आए देखते हैं क्या खाते भी थोड़ा सा बुरुक होती है। ये टर्किश चाय, ये मीट वाला बुरुक है और ये फिल्ड विथ चीज़, फेटा चीज़ से भरा हुआ, और ये जो है ये टीमा से भरा हुआ है। बहुत मज़े का है, यहाँ पर आएँ तो ये खाइएगा, ये सेवरीज होती है जैसे अपने पेटीज या फिर पराठे का बहन भाई है। ये बलद में मौजूद हूँ और इधर कॉफ़ी पीने आया हूँ, तो सबसे अच्छी शॉप जो बलद में ये है, इसका नाम है पियांटो कॉफ़ी, मेन स्ट्रीट पर, चेक करते हैं इनकी कॉफ़ी कैसी है, आ जाए। ज़बरदस्त किस्म की अमेरिकानो है, हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और मज़े से कॉफ़ी पियेंगे। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो मैंने इधर की पहले भी कॉफ़ी पी, जब मैंने पहले आया यहाँ पे तुर्की में, ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपको ज़रूरत है इसकी, इतना चलने के बाद, इतनी थकन के बाद। भुट्टा छल्ली भी कहते हैं, छल्ली कहते हैं ना इसको, ये है भुट्टा छल्ली, बहुत मशहूर है यहाँ पे, अक्सर ये स्टॉल लगे होते हैं, बहुत मज़े का है ये। ये देखें ये भाई यहाँ पे बेच रहा है, 5 लेरा का है, इतने का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मिलता होगा, बहुत अच्छा हो गया मैंने नहीं खाया भुट्टा। आज मैं हूँ भुट्टे वाला और चेस्टनट भी आपको खिलाऊंगा। ये देखिए मेरे भुट्टे की दुकान है यहाँ पे, ये चेस्टनट है यहाँ पे, बहुत मशहूर, लोग बहुत ज़्यादा एज ए स्नैक्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे है छल्ली यानी कि भुट्टा, ज़बरदस्त। कितने भुट्टे चाहिए भाई? This is for you. Okay. How many? One. चाहिए, ओके। एक भुट्टा मिलेगा ये 5 लेरा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैंने भुट्टे बेचे भी हैं और मैं खा भी रहा हूँ, बहुत मज़े का है ये। ये देखें ये भाई यहाँ पे बेच रहा है। चार शंबा बाजार, ये माए थे शॉपिंग के लिए, उधर खाना खाने के लिए आए, बहुत मुनासिब कीमत में बेहतरीन खाना है यहाँ पर। ये नामचून बन के वापस आ रहा है, ये वो ज़बरदस्त। और ये देखें यहाँ रेडी टू गो है, इनके कबाब देखें, चेक करें कितने टेंडर है, कितने नर्म है, ये रैप बन रहा है। और ये आगे बिबर भाई, यहाँ पे चिली को बिबर कहते हैं, अगर तेज़ मिर्चें खाते हो तो ये वाली मिर्चें लीजिएगा तुर्की आए तो। अभी आपको दिखा दूँ मैं, बहुत खूबसूरत मौसम के उसके बिल्कुल बराबर में एक ये कुल्फा बना था, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैंने खाया है एक छोटा सा 5 लेरा का, 5 लेरा हो गए थे, 100 रुपये का मुनाफा है, वो इतना लजीज है मैं बता नहीं सकता आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये कर रहा है। और इतना रश है इस जगह पर, खाना खा के मैंने ये मुनाफा खाया, उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा ये जो मुनाफा है वो
बहुत मशहूर है, अरब में भी बहुत मशहूर है, तुर्की में भी बहुत मशहूर है, कुनाफा आपने खाया होगा, लेकिन ये जो खास कुनाफा है वो सीरियन है। जी आज का सबसे मज़ेदार खाना जो मैं करने जा रहा हूँ इस्तांबुल तुर्की में किलर रेस्टोरेंट पे मैं आज दोबारा मौजूद हूँ। आज का जो खास प्लेटर है वो है प्रॉपर टर्किश प्लेटर। लैम कबाब है, चिकन कबाब है, राइस है ये बीच में, और टोमेटोज हैं, और इसके साथ कोफ्ता। जबरदस्त ये प्लेटर बना हुआ है, उसके साथ है ये जबरदस्त किस्म की रोटी। ये है टेलर रेस्टोरेंट फाती में। ये देखें राइस जो है ये बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। जो हमने बख्त के पास खाया है कुर्दी स्टाइल, वही स्टाइल यहाँ पर है। तो ज़बरदस्त कबाब है, अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ चिकन ट्राई। ये देखें मज़े की, चिकन जूसी है, वेल कुक्ड है। ये इसके साथ टोमेटोज हैं, ये भी ग्रिल हुए हैं टोमेटोज। ग्रिल टोमेटोज मेरे बहुत पसंद है। तो ये फ्रेश आयरन यानी कि जो नमकीन लस्सी होती है आयरन यहाँ पे कहलाती है, बेहतरीन चीज़ है। खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद अगर आप आयरन पीते हैं तो बहुत अच्छी तरह आप हजम कर पाते हैं खाने को, खासतौर पे इस टाइम खाना खा रहे हैं। यहीं इनके पास मशीन लगी हुई है आयरन बनाने की। ये आ गया दूसरा लैम रोटी, ठीक है। ये देखता हूँ बहुत मज़े का लग रहा है, जबरदस्त। अब रह गया मेरा कोफ्ता। मुझे आयरिश लैम बहुत ज़्यादा पसंद है, जो स्प्रिंग लैम होता है आयरलैंड का, बेहतरीन लैम है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉन स्पाइसी फूड है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्राई करता हूँ ये कोफ्ता। ये आ गए बटर, ये बहुत मज़े का, सबसे ज़्यादा मज़े का मुझे इन तीनों चीज़ों में इस टाइम ये कोफ्ता लगा, बहुत टेस्टी बना है। ये रोटी आई है, ये आयरन, और इसके साथ रोटी पे जो है ना आपने ये चीज़ और बटर इसके ऊपर लगाना है। वाह, एंड व्हाट इज़ दिस? सुताच मिल्क एंड राइस। ये पुडिंग राइस, ये खास इज इट टर्किश? ये टर्किश खीर है। ट्राई करके देख लें तो आप क्या, इट टेस्ट लाइक कस्टर्ड एज वेल एंड, लेकिन बहुत मज़े का ये टर्किश खीर है आप समझ लें। तो ये था आज का ख़ास प्लेटर जो मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे आया हूँ फाते किलर रेस्टोरेंट पे ये खाने के लिए। गाइस व्हेनेवर यू कम टू इस्तांबुल, यू कम टू फाते, यू हैव लोज ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन ईट नाइस फूड, डिज़र्ट एंड एवरीथिंग। ये है सर तंतूनी, ये रैप्स बने हुए हैं, ये टर्किश डिश है एक तंतूनी, आप नाम याद रखिएगा। मिंस बीफ है, हाथ से कटा हुआ जैसे अपना कीमा होता है, विद अनियंस एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ, और ये दही में डूबे हुए योगर्ट है इसके साथ। इसके साथ आया है ये सैलड थोड़ा सा, इसके साथ लीमू है और मिर्चें, बिबर अभी देखते हैं मिर्चें तेज़ हैं या फिर ये सावर मिर्चें, क्योंकि ये सिरके में डाल के रखते हैं ना तो इसका पिकल बनाते हैं। तो चले तंतूनी खाते हैं। तो मैं जो आज आपको चीज़ मुतारिफ करा रहा हूँ ये है पनीर जैकेट पोटैटोस, कभी आपने ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बहुत ट्रेडिशनल टर्किश कंपीर है। कंपीर थोड़ा मुश्किल नाम है, यहाँ पे दे नहीं जाते, लेकिन ये मैं अभी आपको दिखा दूँ इसने कैसे बनाया। ज़बरदस्त किस्म का है, पूरा एक आलू रोस्ट किया जाता है और उसके अंदर मज़े मज़े की चीज़ें उसको स्टफ़ किया जाता है वेजिटेबल्स के साथ, चिकन के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको फिल किया जाता है, यानी कि इसको स्टफ़ किया जाता है, और ये इतने मज़ेदार लजीज डिश बनती है कंपीर। भाई तुर्की आए आप और आपने खाना है तलुम्बा। तलुम्बा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तुर्की की ट्रेडिशनल तलुम्बा एक मीठा स्वीट है और वो अपनी जलेबी की तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं। इधर तलुम्बा भी है और इधर बकलावा भी है, आ जाए मेरे साथ। I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. ये देखें अभी तला गया, इधर शीरा है। ओह यस, ये आ गया बाहर। जबरदस्त भाई, ये है मज़ेदार जबरदस्त किस्म का बकलावा। थैंक यू। ओह वाह, ये दे रहे हैं, ये मेरे मिला है बकलावा जबरदस्त किस्म का। ये देखें
आई लव यू पाकिस्तान बर्गर द बर्गर थैंक यू